यत्कृतार्थमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासकरणम् विकसितनलिनाशयम् विश्वनन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महो धावति श्रीराममय सब जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगपानी। जीवन का जो समय जितना काल भगवान के संपर्क में जाता है वही सार्थक है, ये अपने कल बात हुई थी। जीवन तो बीता जा रहा है, हम यदि अच्छे काम में इसको लगावे तब भी बीतेगा, बुरे काम में लगावे तब भी बीतेगा, ये काल रुक नहीं सकता। पर मानव जीवन के जो क्षण हैं ये इतने बहुमूल्य हैं कि इन क्षणों का किसी भी कीमत में पाना बड़ा कठिन है। कबहुं के कर करुणा नरगेहि देत ईश बिनु हेतु स्नेही, बिना ही कारण कृपा करने वाले भगवान बड़ी दया करके मनुष्य देह प्रदान करते हैं जीव को। इस देह में जाकर जो काम किसी देह में अब तक नहीं कर पाया ये जीव वो काम कर ले, और यहाँ आकर के भी यदि प्रमादवश जीवन के क्षणों को व्यर्थ में अथवा बुरे कर्मों में अगर ये बिताता है तो इसके समान मूर्ख और कोई नहीं है। जो न करे भव सागर ही नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक नंदमति आत्महन गति जाए। कहते हैं कि इस प्रकार के समाज को पाकर, ऐसे जीवन को पाकर जो भव सागर से नहीं तरता, वो मंदमति है, उसकी बुद्धि मारी गई और कृत निंदक है और उसको आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है। तो मनुष्य का सबसे पहले करने का काम यही है कि वे अपने जीवन का संपर्क भगवान से जोड़ ले, कर्म करे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धे समूहूत्वा समत्वम योग उच्यते। तीन प्रकार की स्थिति होती है, एक योगस्थ, एक प्रकृतिस्थ और एक स्वस्थ। तीनों का वर्णन गीता में है। प्रकृतिस्थ जो है वो जीव है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। ये पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य करके, उसके साथ मिलकर प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के होने वाले विकारों को, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को अपने में मानकर, प्रकृति के गुणों से आबद्ध होकर
यहाँ कामना वासना आसक्ति ममता अहंकार ईर्ष्यावश कर्म करता है और ये प्रकृति के गुणों को भोगता है, अच्छी बुरी योनि में जाता है और इसका छुटकारा नहीं होता। ये पुरुष प्रकृति स्वस्थ वो जो स्वयं स्थित हो गया, जिसकी स्थिति आत्मा में हो चुकी, जो परमात्मा को प्राप्त गुणातीत पुरुष है। ये 14वें अध्याय में स्वस्थ का वर्णन है। हम लोग स्वस्थ नहीं है, कोई कहे कि हम बीमार नहीं बहुत स्वस्थ हैं, प्रकृतिस्थ कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। जो प्रकृतिस्थ है वो बीमार ही है, हमेशा बीमारी उसकी चलती है। शरीर की बीमारी तो मरने के साथ मर जाती है, लेकिन ये जो बीमारी है ये मरने के बाद भी साथ चलती है, ये बीमारी जाती नहीं। इसलिए जो प्रकृतिस्थ है वो स्वस्थ नहीं है, प्रकृति में स्थित है। स्व जो आत्मा है, स्वरूप है, उसमें स्थित नहीं है। ये प्रकृति में स्थित जो पुरुष है इसी का नाम जीव है। तो ये जो प्रकृति में स्थित पुरुष है ये क्या है? ये प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है, प्रकृति में होने वाले जो विकार हैं, प्रकृति में होने वाले जो ये जन्म मृत्यु के दृश्य हैं, इनको वो अपने में मानता है। जैसे किसी दीवार के अंदर घिरा हुआ आकाश, दीवार के टूटने को अपना टूटना माने, दीवार के रंगने को अपना रंगना माने, दीवार की शोभा को अपनी शोभा माने, इसी प्रकार से ये प्रकृति में स्थित जो पुरुष है ये प्रकृति के गुणों में बद्ध रहता है। भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान, ये प्रकृति के गुणों को भोगता है और इसीलिए अच्छी बुरी योनियों में सद सद योनि जन्मसु ये जाता है। तो इसको होना है स्वस्थ। स्वस्थ होने के लिए क्या करे? पहले योगस्थ हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि भगवान का जो कुछ भी रूप उसके मन में हो तो उस भगवान के साथ चित्त का योग कर दे, भगवान के साथ चित्त का संपर्क कर दे और उस योग में ये बह जाए, उस योग में बह जाए। पुरुष प्रकृतिस्थ ही ये न हो करके योगस्थ, उस योग में भगवान के साथ जो जुड़ना है उस जुड़ने में बह जाए, चित्त को भगवान के साथ जोड़कर उसमें स्थित हो जाए। क्या करे? उसमें स्थित होकर कर्म करे। लेकिन कर्म करने में दो चीज है, योगस्थ के कर्म और प्रकृतिस्थ के कर्म में यही अंतर है। ये बड़े समझने की चीज है। योगस्थ के जो कर्म हैं वो होते हैं आसक्ति रहित पर शुद्धि अशुद्धि में समता युक्त, और प्रकृतिस्थ पुरुष के जो कर्म हैं वो होते हैं आसक्ति युक्त और अनुकूल फल की प्राप्ति के लिए। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुक्त ज्ञान गुणान, और यहाँ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान ने कहा धनंजय अर्जुन तुम कर्म करो, पर कर्म करो योग में स्थित होकर, और कर्म करो आसक्ति छोड़कर संगम त्यक्त्वा, और कर्म करो सिद्ध सिद्धो समभूत्वा शुद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में, मन के अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में समभूत्वा समभावापन्न होकर। ये समत्व ही योग है। इस प्रकार अगर कर्म करोगे तो इस कर्म का फल होगा भगवत प्राप्ति। घाटा लगने पर दुख उसी को होगा जो उस घाटे को अपना घाटा मानेगा। घाटा लगने पर दुख उसी को होगा जो उस घाटे में अपनी हानि मानेगा। घाटा लगने पर दुख उसी को होगा जिसका परमात्मा के विधान में विश्वास नहीं है। अपमान में, मान में, घाटे में, नफे में, हार में, जीत में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, इन द्वंद्वों में जो हमारे मन में अनुकूल प्रतिकूल भाव है, वो अनुकूल प्रतिकूल भाव इस शरीर में ममता, शरीर के वस्तुओं में आसक्ति, वस्तुओं में ममता, शरीर में अहंकृति,
इसी को लेकर के है। योगस्थ होने पर घाटे को भी देखेगा, नशे को भी देखेगा, वो तो दोनों ही भगवान की लीला है। और उन लीला में जैसा जहाँ पर स्वांग के अनुसार कर्म करना है, वो कर्म करेगा दुख नहीं होगा, कर्म करेगा सुख नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जलऊ कृतो युद्धा युद्धस्व नैव पापम वाप शशि, भगवान ने कहा। ये भगवान में अविश्वास होने के कारण से ही अनुकूल में सुख की मनुष्य भावना करता है और प्रतिकूल में दुख की करता है। जिसका भगवान में विश्वास है वो जानता है इस बात को। चार बात है भगवान में, चार बात है। एक, भगवान सर्वशक्तिमान है, एक बात। भगवान सर्वज्ञ है, ये दूसरी बात। भगवान सर्वेश्वर है, ये तीसरी बात। और भगवान हमारे परम सुहृद है, ये चौथी बात। और संसार में जो कुछ होता है ये भगवान के नियंत्रण में होता है, उनकी देख रेख में होता है। तो मंगलमय भगवान की देख रेख में यदि हमारे लिए कोई दुख का विधान आता है तो ये मानना होगा कि दुख का विधान जो आया है ये मंगलमय भगवान के सौहार्द के साथ आया है। वो चाहते इसे मिटा सकते थे, सर्वशक्तिमान है। वो हानि समझते तो इसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि हानि समझने का इनको ज्ञान है, सर्वज्ञ है। वो अगर ये नहीं करने देते होते तो किसी के सामर्थ्य नहीं कोई करता, क्योंकि वो सर्वेश्वर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा कि मैं सर्वलोक महेश्वर और सारे यज्ञ तपों का भोक्ता होता हुआ ही जीव मात्र का सुहृद हूँ। तो जो सुहृद है उसके द्वारा हमारी बुराई नहीं हो सकती। तो बुराई कब हो सकती है? सुहृद तो है पर हमारी भलाई किसी ने जानता नहीं। एक रहा बंदर और उसको किसी राजा ने पाल लिया। वो बंदर बड़ा राजा के अनुगत साथ साथ रहे, मक्खियां उड़ाता रहे, सब काम वो पीछे पीछे रहे, बड़ी सेवा करे। राजा में मूर्खता छाई, राजा ने बंदर की मूर्खता को तो समझा नहीं, हितैषीपन को समझ लिया। सुहृद है ये पर इसमें बुद्धि भी नहीं समझा, तो कहा कि भाई देखो हम सोते हैं, मच्छर न काटे, तुम यहाँ पर पहरा देते रहो। तो बंदर तलवार लेके बैठ गया और थोड़ी देर के बाद राजा की छाती पर मच्छर आके बैठा, गले पर मच्छर आके बैठा। उसने सोचा मच्छर को उड़ाना है और तलवार हाथ में है ही, तलवार के दिन मच्छर हो जाएगा। उसने तलवार की मारी, मच्छर तो उड़ी गया, साथ साथ गला कट गया राजा का। तो हमारा भला चाहने वाला तो हो पर मूर्ख हो, किसी पागल के हाथ में हम अपना जीवन दे दें तो क्या होगा? तो भगवान में ये बात नहीं, वो स्वर्ग होने के साथ साथ सर्वज्ञ हैं, परम बुद्धिमान हैं। तीसरी बात भगवान में कि बुद्धिमान भी कोई हो, सर्वज्ञ भी हो और हमारा भला भी चाहता हो, पर जिसमें करने की ताकत न हो वो भला क्या करेगा? वो करना तो चाहता है और जानता है किस बात में भला है, पर उसमें करने की शक्ति नहीं, बेचारा करेगा कहाँ से? तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सुहृद है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। बोले भाई सर्वशक्तिमान है माना सब कुछ कर सकते हैं, पर कोई जबरा उनसे बड़ा कोई दूसरा आकर के आंख लगा दे तो रोक दे तो कहा नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, ये समस्त लोकों के ईश्वरों के महान ईश्वर हैं, उनके शासन में सब है, उन पर शासन कोई नहीं कर सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वज्ञ सूर्य भगवान यदि हमें दुख भेजते हैं, हम जिसको दुख मानते हैं, अगर हमारा भगवान में विश्वास हो तो हम क्या उस दुख को दुख मानेंगे? तो दुख तो पूर्व रूप है, कोई महान सुख आने वाला है। और हम उस दुख को दुख मानकर जब भगवान पर नाराज होते हैं तो सुख टलने लगता है। जो सुख की पूर्व भूमिका है, ये सुख का पूर्व रूप है दुख। ये भगवान ने बताया गीता में, जो सात्विक सुख होता है ना, सात्विक सुख, ये तो पारमार्थिक सुख है, तो उससे भी ऊंचा सात्विक सुख भी
पहले दुख सा मालूम होता है, बुरा लगता है। यत बग्रे विष्णु व परिणाम मिथुपमम तत् सुखम सात्विकम पुरोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं कि जो आत्मबुद्धि के प्रसाद से, भगवत कृपा से जो सुख मिलता है, वो सुख आरंभ में जहर सा मालूम होता है। क्योंकि ये आरंभ में ये विषयों का जो है ना, ये कुछ कुछ सुख जाने लगता है, कुछ सुख विषयों का मिटने लगता है। ये एक बात और है, ये जरा कड़ी बात लगेगी पर सच्ची बात है। या तो संसार के वस्तुओं में ममता न रहे, और या भगवान संसार की सारी वस्तुओं को जो हम अपनी मानते हैं सबको नष्ट कर दे, सबको नष्ट कर दे भगवान, हमारा कहीं ममता के लिए कोई एक एक चीज भी न रहे, भगवान की बड़ी कृपा होगी, नहीं तो हम फंसे रहते हैं। तो भगवान के लिए जब वो मनुष्य चलता है तो पहले पहले जरा ये विषय जो है कि जब हटते हैं तो ये कहते हैं कि देखो हम हटते हैं, अब तुम दुखी हो जाओगे। ये मूर्ख मान लेता है जरा सी चीज में, जरा सा मन के प्रतिकूल कोई पदार्थ आ गया, घटना आ गई, वस्तु आ गई, अरे हम तो मरे, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी हानि हो गई, किसी पर क्रोध, कहीं लोभ, कहीं ईर्ष्या, कहीं बैर, कहीं द्वेष करके ये एक बड़ा जंजाल नरक में जाने का अपना दिन लेता है। तो उस समय जो बुद्धिमान पुरुष है वो समझता है कि भगवान के मन की हो रही है, बड़ा अच्छा है, भगवान हमको अपने पास बुला रहे हैं, अपना रहे हैं, अपने समीप ले रहे हैं, इसलिए इन वस्तुओं का ममत्व हमसे छीन रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये कहा भगवान ने कि जत बग्रे विष्णु, जो आरंभ में जहर सा मालूम होता है लेकिन परिणाम है अमृतोपमम, जो परिणाम में अमृत का काम करता है, मृतत्व की प्राप्ति करा देता है, हमेशा के लिए मृत्यु को मार देता है, ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख है। इसलिए ये संसार के जो हानि लाभ हैं, इन हानि लाभों में जो जो भगवान का अविश्वासी है, जो भोगों का गुलाम है, उसी को इसमें सुख दुख की प्रतीति होती है, नहीं तो ये तो खेल है। ये तो खेल जो देखता है वो तो प्रसन्न होता है कि देखो अब तो ये रस लाए भगवान। खेल में, नाटक में अगर विभिन्न रसों का प्राकट्य न हो तो नाटक सांग नहीं होता, एक ही रस खाली है, तो उसमें करुण भी है, बीभत्स भी है, भयानक भी है, रौद्र भी है, सभी रस उसमें हैं। तो देखता है कि अब की तो भगवान इस स्वांग में आए, अब की इस स्वांग में आए। एक भक्त कहता है, देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुम से नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, नाथ छिपा ले तुम ही अपना चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में, रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में अथवा सब तुम्हारे ही वेश, सब में तुम सब ही है तुम में अथवा सब तुम्हारे ही वेश, तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब तब फिर मैं किस लिए डरूं, तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब तब फिर मैं किस लिए डरूं, मृत्यु साज सज यदि आवे तो चरण पकड़ सानंद मरूं, मृत्यु साज सज यदि आवे तो चरण पकड़ सानंद मरूं, दे दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करनाथ, दे दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ।
तो दुख में दो भावना है, या तो ये भगवान के द्वारा किया हुआ मंगल विधान, भगवान के द्वारा अच्छा हुआ मंगल में, भगवान के द्वारा अच्छा हुआ मंगल विधान, और या इसके वेश में साक्षात स्वयं भगवान, या तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त करें प्रत्येक अवस्था में, और या प्रत्येक अवस्था में ये भगवान के मंगलमय विधान को प्राप्त करें, सुख हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा नहीं किसी अवस्था में, किसी अवस्था में। ये लभो आचार परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति होती है जिससे ऊंचा कोई लाभ नहीं होता, और उस स्थिति में स्थित जो पुरुष है वो गुरुनाथ दुखेन संसार में जिसको महान दुख कहते हैं उस दुख से विचलित नहीं होता। दुख से विचलित वही होता है जहाँ प्रतिकूल भावना है, जहाँ अपने किसी वस्तु के नाश की भावना है, वस्तु के नाश की आशंका में भय होता है और नाश हो जाने पर शोक होता है। ये भय और शोक में सारा संसार उलझा हुआ है, और जो स्वस्थ हो गया है उसके लिए न वो है, न भय है, न शोक है, सर्वत्र सब अवस्थाओं में सब स्थितियों में भगवान है। तो जब तक स्वस्थ नहीं तब तक ऐसी भावना करे, कल्पना करे इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान का मंगल विधान है। और एक बात है कि करने से कुछ नहीं होता है, भागवत में बार बार आया जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं, ऐसी जब आने होते हैं बिना बुलाए सुख आते हैं। दुख के रूप में उनका विधान आता है, सुख के रूप में उनका विधान आता है। भक्त का तो ये भाव रहता है, और हरेक बुद्धिमान का होना चाहिए, भगवान से कुछ भी चाहे नहीं, भगवान से प्रार्थना करे कि मेरे मन में कोई चाह कभी पैदा हुई नहीं, और यदि हो ही तो महाराज आपकी चाह के अनुकूल हो, जो आप चाहते हैं वो ही मैं चाहूं, और यदि कदाचित मेरी चाह आपकी चाह से प्रतिकूल हो तो उसे कभी पूरी मत करना। ये चाह करे कि मेरी चाह कभी आपकी चाह से विरुद्ध हो उसे कभी पूरी मत करना, ये तो मूर्ख की चाह है ना। भगवान जो सोचते हैं मंगलमय है, परम हितैषी है, परम सुहृद है, वो सोचते ही सोचते हैं। छोटा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, सांप को पकड़ना चाहता है, मुलायम मुलायम बड़ा सुंदर लगता है कोमल कोमल, माँ जानती दस जाएगा सांप, बच्चे के हाथ को हटा देती है माँ, अलग कर देती है, तो क्या माँ उसके साथ कोई अन्याय करती है, चाहे बच्चे के साथ माँ कोई बुरा कर्म करती है, बच्चे को बचाने के लिए माँ उसको हटा लेती है। इसी प्रकार भगवान कभी कभी, ये जो हम मानते हैं ना ये बड़ा भ्रम है, ये सच्ची बात कहता हूँ मैं, जिसके पास संसार के पदार्थ हैं उन पर तो हम मानते हैं भगवान की कृपा है, और जिनके पास नहीं है उनको मानते हैं भगवान का कोप है। तो भगवान की कृपा का हम माप तौल करते हैं संसार के पदार्थों को लेकर, यही महाभ्रम है, यही महाभ्रम है। संसार के जो पदार्थ ममता और आसक्ति बढ़ाने वाले हैं वो वास्तव में पदार्थ नहीं है, विष हैं, विषयान विषवत्यज, उनकी प्राप्ति करके उनमें ममता करके आसक्ति करके जो सुख चाहता है वो चाहे माने न माने वो भ्रम में है, और वो दुख का पूर्व रूप उसके सामने है, भयानक दुख आने वाला उसके लिए है। इसलिए भगवान की कृपा न तो इनके आने में है न जाने में है, ये वस्तुएं आने तो यूं समझे विरोध नहीं करे आने का भी, संसार के पदार्थ आवे खूब आवे तब समझे कि भगवान ने विश्वास करके हमें सेवा का काम सौंपा है, और हमें इस सेवा के लिए चीजें सौंपी हैं। ट्रस्टी बनाया है भगवान ने अपने इस मिल्कियत का, भगवान कहते हैं तुम ट्रस्टी बने रहकर ईमानदारी के साथ मेरे नियम के अनुसार, ट्रस्ट के नियम के अनुसार ट्रस्ट के पदार्थों को, ट्रस्ट के धन को लगाते रहो, अपना मानो मत, अपना प्रसाद मेहनताना लेते रहो, ईमानदारी के साथ काम करो। तो हमें भगवान ने ईमानदार मानकर विश्वास युक्त मानकर हमें चीज सौंपी है, भगवान ने नियुक्त किया हमें सेवा के लिए, और सेवा के लिए नियुक्त किया भगवान ने, हम उनके चाकर हैं भला, इस ट्रस्ट के चाकर नहीं है। भगवान ने चाह के इसको दूसरा काम सौंपेंगे, भगवान ने कहा कि अच्छी अच्छी बात है भाई, तुमको दूसरा काम देते हैं, अब तुम यहाँ से तुम्हारी बदली करते, तबादला हो गया तबादला, हमें तुम किस सेवा करना है ना, तबादला हो जाए
और हमारे जिम में जो संपत्ति थी, जो चीज थी, वो भगवान ने सोचा मालिक की तुम्हें कि नहीं इसको यहाँ नहीं रखेंगे, वहां भेजेंगे। उनकी संपत्ति और हम उनके नौकर, चाहे हमारा तबादला कर दें, हमारी बदली कर दें, चाहे हमारे पास जो वस्तु उनको कहीं भेज दें, तो उनके मिलने में तो ये समझें कि हम विश्वासी माने गए हैं, हमको सेवा सौंपी गई है। तो सेवा के भाव से घर में जितने आदमी हैं सब भगवान के रूप, अड़ोसी पड़ोसी भगवान के रूप, सारा जगत भगवान का रूप, और हम उसके सेवक, हमें सेवा का काम सौंपा गया, सेवा करें। और जब सब चीजों को भगवान ले लें, हमको भी लेना चाहें, तो ये समझें कि भगवान अब हमको पास बुला रहे हैं। इन चीजों में न रख करके, झमेले में न रख करके, हम पर बड़ी कृपा करके, बड़े प्रेम से हमको कहते हैं, भैया आप तुम कोई काम नहीं सौंपेंगे तो तुम अब हमारे पास रखेंगे, हमारी सेवा में, निज की सेवा में रहो। बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, तब तो मौज ही हो गई। अब तक तो सेवा का आनंद था दूर रह करके, अब सेवा का आनंद मिलेगा, निज की सेवा मिलेगी। अब तो हम महली छाकर हो गए, अब तक तो दरबारी थे। दरबारी और महली ये दो शब्द हैं भक्तों के, बड़े सुंदर। दरबार का चाकर है, दरबार का चाकर तो है, दरबार के सारे काम करता है, पर दरबार की विधि से बंधा हुआ है, दरबार की कानून से वो जकड़ा हुआ है। जहाँ बैठना हो बैठे, जैसे काम करना वैसे करे, और मालिक तो है, पर मालिक का काम विधिवत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। और वो महल का चाकर हो गया, महल का चाकर हो गया, अब तो निज टहल करता है, निज की टहल करता है, पास बैठता है, पास रहता है, समीप जाके पूछता है, वहाँ विधि विधान नहीं। तो आनंद, तो जब सब चीजों को भगवान छीन ले, तब समझे कि बड़ा आनंद है, अब तो भगवान अपने पास बुला रहे हैं। उसमें कृपा न माने, यही तो भेद है। तब तो फिर राक्षसों पर बड़ी कृपा हुई, उनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत धन था। ये नहीं, जिसके पास भगवान के भजन का धन है, वो धन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। धन क्या है? भजन धन है। संपत्ति, इसका नाम दैवी संपत्ति का, भगवान ने गीता में दो संपत्ति है, जिसके पास भगवत गुण है वो भगवत संपत्तिवान है, और जिसके पास ये केवल विषय विषय है वो आसुरी संपत्तिवान है। आसुरी संपत्ति वाले का बंधन होगा और दैवी संपत्ति वाले के मोक्ष होगी। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधा आसुरी मता, जिसके पास संसार की वैभव भी है और जो उन वैभव में भी आसक्त नहीं, उन पर भी जो अभिमान नहीं करता, तो सारे वैभव को भगवान की वस्तु मानकर सेवा में लगाता रहता है, वो धन्य है। बड़ा अच्छा सोना सुगंध दोनों है। तो जिसके पास ये नहीं है वो और भी भाग्यवान है, भगवान ने झंझट में रखा ही नहीं, झंझट में रखा ही नहीं। बड़ा सुंदर, ये कहने में जरा बुरी बात तो लगती है, पर बात तो सच्ची है। जिसको संसार में जितना कम आदर प्राप्त है वो अधिक भाग्यवान है, जिसके पास संसार की आसक्ति के कम पदार्थ है वो अधिक भाग्यवान है, जिसके पास संसार की ममता के कम पदार्थ है वो अधिक भाग्यवान है। जहाँ ममता अधिक है, जहाँ स्नेह करने वाले अधिक हैं, जहाँ आदर अधिक है, सम्मान अधिक है, उनमें फंसा रहता है, फंसा रहता है। इसलिए भक्तों ने प्रार्थना की है, संतों ने प्रार्थना की कि हमें तुम्हारा ऐसा बना दो कि हमसे कोई अपना मतलब न रखे, हमसे कोई अपना स्वार्थ साधने की आशा न रखे, ऐसा बना दो। क्या होगा? चुपचाप भगवान के भजन में तो लगा रहे। जितनी जगत से निराशा है ना, नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जगत में, जगत के भोगों से सुख की आशा है, यही हम लोगों को जीवन के अंत क्षण तक मारे डालती है। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, पीछे ये हो जाएगा। अरे पीछे क्या हो जाएगा, न मालूम तुम किस युग में और कौन से लोक में, किस योनि में रहोगे, पीछे हो जाएगा। इस चिंता में पड़े हुए भगवान के भजन को भूल रहे हो, भगवान को भूल रहे हो, ये बड़ा भारी प्रमाद है ना, बड़ा प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है जो काम करना उसे न करे और जो न करना उसे करे, इसका नाम प्रमाद। प्रमाद मृत्यु है। तो संसार में करना एक ही काम है मनुष्य को, चाहे एक बार कहें, दस बार कहें, एक ही काम है। वो काम है जीवन को भगवान की सेवा में लगा देना, जीवन को भगवान के संपर्क में जोड़ देना, जीवन को भगवान का बना देना, अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए ही करना, करके जो सौंपना है ये भी अच्छा है।
इससे भी अच्छा वो है कि भगवान के लिए ही करे, जीवन में अपना कर्म रहे ही नहीं। भगवान ने कहा मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त संग वर्जित निर्विग्र सर्वभूतेषु, यह समामेति पांडव। हे पांडव, जिसमें ये पांच बातें हैं वो मुझको प्राप्त करता है। जिसके पास अपना काम नहीं रहा, जो केवल मेरा काम करता है, मत कर्म कर, एक बात। और जिसके पास कोई दूसरा अवलंबन नहीं है, जो मेरे ही परायण है, दूसरी बात। जो मेरा ही भक्त है, तीसरी बात। संसार में जिसकी कहीं आसक्ति नहीं रह गई, चौथी बात। और जगत में किसी प्राणी से जिसका भय नहीं रह गया, ये पांचवी बात। ये पांच बात जिसमें है वो मुझे प्राप्त होता है निस्संदेह, ये भगवान ने कहा। इसलिए अपना क्या काम, संसार में सारा काम भगवान का, सारी संपत्ति भगवान की, सारी चीज भगवान की। हमें भगवान ने सेवा सौंपी, ईमानदारी से सेवा करें। और जब भगवान कह दे कि अब इन सेवा से तुमको हम निवृत्त करते हैं, अब तुम यहाँ से पेंशन ले लो, बस रिटायर हो जाओ, अब तुम हमारा भजन करो, बड़ा अच्छा रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने का समय क्या, जब भगवान कहता, ये तो आनंद की चीज। तो इसलिए दोनों तरह से आनंद माने, किसी प्रकार से न सुख की चाह करे, न दुख की परवाह करे, न सुख का न होना चाहे और न सुख के न होने पर दुखी हो, न दुख का न होना चाहे और न दुख प्राप्त होने पर दुखी हो। बस भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान में या तो भगवान को देखे और या भगवान के मंगलमय विधान का स्पर्श प्राप्त करे, नित्य सुखी जगत में होगा। जो रच रखा उन्होंने, रोने से बदलेगा नहीं, कलपने से बदलेगा नहीं, किसी गाली निकालने से बदलेगा नहीं, क्रोध करने से बदलेगा नहीं। अपने अंदर दोष पैदा होंगे उल्टे, और वो दोष नरकों में ले जाने वाले कर्म करा देंगे। द्वेष बस, ईर्षा बस, वैर बस, क्रोध बस, आसक्ति बस, न मालूम कहीं वाणी आएगी हमारे संयम में, कहीं मन आएगा, कहीं क्रिया आएगी, और जहाँ ये मन तन वचन बिगड़े, ये मनुष्य गिरा। इसलिए मन तन वचन तीनों को निरंतर भगवान में लगाए रखे। शरीर से भगवान की सेवा, वाणी से भगवान का गुणगान नामगान, और मन से भगवान का नित्य चिंतन। भगवान के चिंतन में ही मन रहे, भगवान के गुणगान में वाणी लगे रहे, और भगवान की सेवा में शरीर लगा रहे, तो शरीर की सार्थकता। जो समय भगवान की सेवा में गया वो सार्थक, जो धन सेवा में लगा वो सार्थक। एक आदमी था बूढ़ा, वो बूढ़ा था, कुछ दिनों में उसको समझ आई। तो एक आदमी ने उससे पूछा कि आपकी कितनी उम्र हो गई, उसने कहा 2-1 वर्ष की उम्र तो मालूम होती है। धनी था बहुत, कहा कितना पैसा आपके पास है, कहा 5-4 हज़ार रुपये हैं। झूठ बोलता है, 70 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष की उम्र बताता है तो लाखों रुपए पास, झूठ बोलता है 5-4 हज़ार रुपये है। हाँ भाई, इसका अर्थ क्या, तुम झूठ क्यों बोलते हो, झूठ नहीं बोलते। 2-1 वर्ष से भगवान की ओर मन लगा है, वो तो गए पहले के, 8 वर्ष तो बीत गए ऐसे ही। बीत गए दिन भजन बिनारे, नानक जी ने कहा, बीत गए दिन भजन बिनारे, फालतू गए दिन। जो समय जो काल हमारा भजन के बिना बीता, वो तो पछताने की चीज है। बड़ा बुरा गया जीवन का अमूल्य समय, खो दिया हमने व्यर्थ में, अब पश्चाताप कुछ नहीं होता। जो बाकी है, गई सो गई अब राख रही को, जितने श्वास बाकी हैं, ये बाकी के श्वास हम भगवान को सौंप दें। हम कह दें, नाथ हमसे बड़ी भूल हुई, आपने धन दिया था श्वास का भजन के लिए, पर हमने खो दिया भोगों में। अब रहे से जो सांस है, इसमें बस हम आपका भजन करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपने आप को भजन के लिए सौंप दे, जितना रहा 2 वर्ष। तो बोले, ये रुपए की बात क्या कही आपने, बोले 5-4 हज़ार रुपये भगवान के काम में लगे हैं, और सारे व्यर्थ है ना, व्यर्थ खर्चे हुए सो व्यर्थ और रहे सो व्यर्थ है। ये तो बड़ी मुश्किल की चीज है ना, आदमी जब छोड़ के मरता है ना चीजों को, उनमें कहीं रहता है मन, तो बड़ी मुश्किल होती है। मरने में मुसीबत और मरने के बाद मुसीबत, मरता है तो मन रहता है उसमें। भगवान का मान ले, सब कुछ रहे, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी रहे, सारी संपत्ति जगत की रहे, क्या आपत्ति है, भगवान की चीज है। अपना मान के मरता है तो दुख होता है, कोई ले न ले, इंतजाम किया नहीं,
विल बनाया नहीं, डेथ ड्यूटी लग गई और ये लग गया, सारा ले लेगी गवर्नमेंट, तो बच्चों के क्या बचेगा? अब रोने से तो बच्चों के पास रहेगा नहीं, पर रोना आए बिना रहता नहीं, क्योंकि ममता है, ममता रुलाती है ना। संसार में न मालूम कितनों के रोज बच्चे मरते हैं, किसी रोते हैं क्या? तो उसमें बच्चा मर जाए बोले था बेचारा अच्छा था, बेचारे का बड़ा दुख लग गया, इतना ही। अपना बच्चा मर जाए तो बड़ा दुख, क्योंकि उसमें ममता है। रोने से बच्चा बचता नहीं, रोने से वापस आता नहीं, लेकिन ममता रुलाती है। और ये ममता अगर भगवान में हो जाए, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। भगवान में ममता हो जाए तो जगत में भगवान की कृपा को लेकर के समता हो जाए, बस फिर मौज है। तो इसलिए यहाँ की वस्तुएं जो अपनी मान करके मरता है, बड़ी परेशानी में मरता है, और मरने के बाद भी ये प्रेत तत्व को जिन्होंने समझा है, उनके समझी हुई बात है कि आसक्ति भोगों में रहती है, और अंत में भगवान अगर याद नहीं आते तो प्रेत होते हैं। तो प्रेत होकर के जहाँ जहाँ उनकी आसक्ति है वहाँ वहाँ वो घूमा करते हैं, कुछ कर सकते नहीं, बस चलता नहीं, और मार दुखी रहते हैं। ऐसी कथाएं स्कंद पुराण में बहुत आती हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे थे, ब्राह्मण थे, कई वैश्य थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, वहाँ मंद रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, उस वासना को लेकर के न मालूम कहाँ कहाँ कैसी कैसी योनि में मनुष्य को जीव को जाना पड़ता है, और वहाँ उपाय रहता नहीं। देखते हैं सामने, मन में होता है मेरी चीज थी, ये एक विज्ञान है, सच्ची चीज है कि मरने के बाद जब तक स्थूल देह की प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक वो चाहे आतिवाहिक देह में रहे, चाहे प्रीत देह में रहे, चाहे देव देह में रहे, उसको ये स्मृति रहती है कि मैं अमुक हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पति हूँ, अमुक का भाई हूँ, और उस प्रेतलोक में और देवलोक में वहाँ उसे उनके दुख से सुख दुख होता है, उनके बैर को बैर मानता है, रोष को रोष मानता है, द्वेष को द्वेष मानता है, और सुखी दुखी होता है, पर उसका बस चलता नहीं। तो देखता है कि तिजोरी की चाबी तो अपनी जेब में थी, और मरने के बाद निकाल लिए, उस लोगों ने खोल लिया, अब उपाय चलता नहीं, जी जलता है। ऐसी भयानक अवस्था का वर्णन किया है इस प्रेत कल्प में। यहाँ पर बड़ी इस बातें बताई हैं, और प्रेतों ने बताई ऐसी बातें, सर ओलिवर लॉज ने इस पर ग्रंथ लिखे हैं प्रेतों से बात करके, तो वो सब बातें बताई कि किस किस आसक्ति से, किस किस वासना से, और किस किस प्रकार की इच्छा लेकर के मरने वाले को किस किस प्रकार का दुख होता है वहां पर, वासनाएं पूर्ण रह गई। इसलिए कहा कि भाई भगवान का नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो, अंतकाल चाहे जब आवे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान से पूछा अर्जुन ने अंतकाल की बात, तो भगवान ने कहा अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समदभावं याति नास्तत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता है उसको मेरी प्राप्ति होती, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सोचा आदमी ने कि अंतकाल में कर लेंगे, तो जीवन भर क्यों करें, जीवन भर मौज करने पीछे कर लेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, सुनो दूसरी बात, यम यम वात स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहा भाई ये नियम है कि जिस जिस चीज में मन रख के आदमी मरता है उसको प्राप्त होता है, लेकिन अंतकाल में याद कौन सी चीज की ज्यादा आती है, सदा तद्भाव भावित, जीवन भर जिसका स्मरण किया है वही अंत में याद आवेगा, सहज में अकस्मात उसकी याद आनी बड़ी मुश्किल। कब बोले महाराज क्या करें, अर्जुन ने मन ही मन कहा महाराज बताओ फिर क्या करें, हम तो मरने के सामने ही बैठे हैं युद्ध में। तस्मात सर्वेशु कालेषु मा मनुष्य मरयुध्य मयूरपुत मनो बुद्धि संशयम। तस्मात इसलिए अर्जुन सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मरयुध्य च, सर्व काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, फिर चाहे जब मौत आवे, जब मौत आवेगी तुम मौत को मिलोगी मेरा स्मरण करते हुए, तो मेरा स्मरण करते हुए तुम मिले, मन बुद्धि तुमने मुझको सौंप दी, तो क्या होगा,
माम एव एशसी असंशयम, मुझको ही प्राप्त करोगे निस्संदेह। ये भगवान के शब्द हैं, माम एव एशसी असंशयम, मुझको ही प्राप्त हो गए तुम निस्संदेह। इसलिए ये जीवन में बड़ी आवश्यक बात है कि हम भगवान का स्मरण करना आरंभ कर दें, भगवान का नाम लेने लगे। फिर चाहे जब मौत आ जाए, क्या ठिकाना मौत का, गाड़ी में आ जाए, रस्ते में आ जाए, घर में आ जाए, पाखाने में आ जाए, कहीं भी आ जाए। जब मौत आ गए, मौत आकर के देखे कि यहाँ तो राम नाम हो रहा है, यमराज ने कहा, यमराज ने अपने दूतों से समझा के कहा कि देखो भैया, यमराज के दूत जो मार खा करके जब आए अजान मिल के यहाँ से, उनका नया अनुभव था, यमदूतों का नया अनुभव था, उन्होंने जीवन में कभी मार नहीं खाई थी। जहाँ गए अपना विजयी होकर के बांध बांध के ले आए, यहाँ मार खानी पड़ी, तो इन्होंने आकर के यमराज से कहा, महाराज हमको एक बात का संदेह है, बताइए। बोले क्या? बोले आपसे बड़ा भी कोई दूसरा है क्या? बोले कैसे पूछते हो? बोले आज मार खा के आए, चार चार हाथ वाले थे लोग, और बड़े नील शाम उनका शरीर था, बड़े सुंदर थे, और शंख चक्र गला पद्म लिए हुए, कीट मुकुट वाले, बड़े सुंदर सुंदर थे, बड़े बलवान। महाराज हम लेने गए जामिल को और हमको मार के निकाल दिया, और ये कह दिया कि देखो यहाँ इसने भगवान का नाम लिया है, भटो यहाँ से, तुम धर्म नहीं जानते। महाराज कोई बड़ा आपसे? बोले भाई एक सबसे बड़ा है, उसी के नियंत्रण में रहकर हम सब काम करते हैं, वायु अग्नि यम वरुण कुबेर इंद्र सारे जो दिक्पाल हैं, उस एक के नियंत्रण में रह करके सब काम करते हैं, वो हम सबसे बड़ा है। तो बोले महाराज ये नाम, बोले इस नाम की बात सब नहीं जानते, हम बारह भट हैं, बारह नाम बताए वहां पर, ये इस नाम की महिमा जानते हैं। तो इसलिए भैया अब तुम लोगों को कुछ बात बता देते हैं कि जहां पर अंतकाल में भगवान नाम होता हो वहां मत जाया करो, वहां अगर गए तो फिर मार खा के आओगे, हमारे वश की बात नहीं, वहां हमारा जोर नहीं चलता, हमारे राज्य से बाहर है। इसलिए भगवान का नाम, जनन जनन जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, जतन कराही, यत्न करते हैं और यत्न करते हैं, इसलिए फिर जन्म होता है। दूसरे दूसरे प्रयत्न करते हैं ना, भगवान याद नहीं रहते, भगवान के याद हुए बिना भगवान को प्राप्त करते नहीं, इसलिए फिर जन्म होता है। मुनि तो हैं, संसार का उन्होंने त्याग भी कर दिया, तो मरणशील भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, सब कुछ है, पर भजन परायण नहीं है, जतन करते दूसरे। इसलिए जन्म जन्म कहा, जनन जनन मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, ये बाली ने कहा था। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, अंत में भगवान का नाम नहीं आता, भगवान का नाम अगर अंत में आ जाता तो काम बन जाता ना। इसलिए जीवन तो थोड़ा है, भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, जब तक सोएगा नहीं तब तक जीभ से भगवान का नाम लेता रहे, ऐसी आदत डाल ले, और मन से भगवान का चिंतन करे, और ये समझे कि जीभ के द्वारा जितना नाम लिया गया उतनी जीभ के सार्थक था। जीभ से कहे रे जीभ, हे जीवे रस सारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम पीयू जो हे निरंतरम। अरे जीभ तो रस के सार को जानने वाली है, रस को जानती है, चखती है, और तुमको तो हमेशा मीठा करा लगता है। मधुर प्रिय राम नाम पीयूषम पीयू जीवे निरंतरम, अरे जीव ये राम नाम तो अमृत है, निरंतर इसे पीती रहे पीती रहे। एक जगह कहा कि भाई राम नाम है और जीव अपने पास है, फिर भी लोग नरकों में जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, राम नाम और जीव दोनों अपने पास हैं। इसलिए भैया ये हंसी की बात नहीं है, भगवान का नाम लेना चाहिए, और ये संसार के प्रलोभनों में, ये मेरा और ये तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, इसको व्यवहार में बरते तो मन से बिल्कुल अलग कर दे, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये बिल्कुल सच्ची बात है, जब जन्म लेके आए थे यहाँ पर, जमीन पर गिरे, उसमें क्या अपना था, क्या था बताइए, और जब स्मशान में जाएंगे, रथी बन जाएगी, अपना क्या रहेगा? ये व्यर्थ में मेरा 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 करके हम फंस रहे हैं, रात दिन रोते हैं, रात दिन कलपते हैं, मेरा न चला जाए और मेरा और होता रहे,
यही तो है संसार में, जो मेरा है वो बना रहे और दूसरों का मेरा हो जाए, और करते क्या है, ये तो करते हैं। तो ज्यादा हम कमाना चाहते हैं, आधा कहाँ से है? ये अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आता कहाँ से, उसका उसके पास, उसका उसके पास, उसका उसके पास, उसका उसके पास। जमीन से पैसा ही आता, जमीन से अन्न आता है, जमीन चीजें आती है, ये पैसे का तो विनिमय चलता रहता है। ऐसे ही मुद्रा नीति जो है कि जहां जिस राज्य की जैसी होती है चलता रहता है, ये व्यर्थ नहीं आज मैं अभिमान कर बैठता है, ये मेरा इतना मेरा, और मर जाता है सब छोड़ करके। बड़ी मुसीबत मरने वाले को होती है, वो तो पहले से निस्व हो जाए, निष्किंचन हो जाए, अपने पास ममता से कुछ न रखे, रखे बहुत, रहे जिसके पास है तो रहे, सेवा के लिए रहे, पर उस पर ममता न रखे। ममता की तो पहले लोग सांप होते थे, पहले जब लोग गाड़ते थे ना, गाड़ते थे ना जमीन में धन, तब सांप अजगर हुआ करते थे। अब किसी बैंक वैंक में किसी कागज के कीड़े होंगे और क्या हो, फल तो यही होगा ना, जहां मन रहेगा उतने कागज हैं, उतने शेयर्स हैं, उतने स्क्रिप्ट हैं, उतने नोट हैं, ये उतना है, ये मिल में है, ये कारखाने में है, तो उनमें कोई जीव जंतु होंगे, चूहे छिपकली बनेंगे। सच्ची बात ये बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, ऐसे ही होता है, ये अनुभव की चीज है। हम जानते इस चीज को, हम सत्य कहते हैं आपसे, हमने प्रेतों से बात की है, हम जानते हैं, हमको मालूम है, लेकिन ये सारा भगवान का समझे। पर ये थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के ये मेरा ये तेरा, ये हमको तो हंसी आती है। ये जब लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे वो बगल में वहाँ एक बगीचा है हमारे बगल में, तो वो लाला जी थे, वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा भाई हम दीवार बनवाना चाहते, उन्होंने कहा बनाओ भाई, उन्होंने कहा जरा सब माप दीजिए, माप हो रहे पाया हुआ रोप दी, हमने कहा आप माप के आप रोप लीजिए पाया। तो बगल में थे ना अपने, उधर वो कौन थे, लाल जी कोठरी, तो लाल जी, हमने कहा आप माप लीजिए, उन्होंने कहा उसमें देखिए फिर बहम रह जाएगा, हमने कहा हमारी तरफ से आप पत्नी थी, आप माप लीजिए, हम माप के जहाँ रोपना रोप दीजिए। अरे लेता क्या आदमी, अगर जरा सी जमीन को ले भी ले तो साथ तो जाएगी नहीं, जमीन वहीं रहेगी, चीज वहीं रहेगी, अपने अभिमान के मारे मर गए। कोई अगर नियत बिगाड़ता है तो ये जहाँ ये नीति की बात नहीं कहता हूँ मैं, ये परमार्थ की बात कहता हूँ। लोग नीति वाले कहेंगे कि ये क्या करते हो तुम, जो सब अपना न्याय करे, न्याय करने में आपत्ति नहीं है, जब साहब वहां पर इन बातों को सुन करके अन्याय न करे वो ठीक है, वो खेल है ना, उस खेल में जहाँ पर जो खेल करना को करे, पर वो न्याय और चीज है और ममता और चीज है। वो जो ममता की चीज है ना, वो तो मन में रहती है, मन में रहती है ममता की चीज, और जहाँ ममता नहीं है वहाँ द्वेष नहीं होता, जहाँ ममता नहीं है वहाँ भैर नहीं होता, वहाँ जहाँ ममता नहीं है वहाँ बुरा करने की, बुरा चाहने की प्रवृत्ति नहीं होती, बुरा किसी का होते देख कर सुख नहीं होता। जहाँ ममता है वहाँ ममता के विरोधी में द्वेष होता है, ये स्वाभाविक बात है, हम सबका अनुभव है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष नहीं, ये मेरा इसमें राग है कि तेरा, अगर मेरे का विरोधी है तो द्वेष है। और राग द्वेष जहाँ पर है वहाँ पर लुट रहे हैं, हमारा जो दैवी संपत्ति का धन है निरंतर लुट रहा है राग द्वेष रूपी चोरों के द्वारा। राग द्वेष से परिपंथ है, लूट रहे हैं, इसलिए राग राग द्वेष अगर न मिटे तो राग करे भगवान, सारी राग सारी आसक्ति भगवान के साथ जोड़ दे, भाई बस तुम में इतना मन फंस गया कि अब कहीं हटता ही नहीं, इतना मन फंसा दे भगवान में, इतनी आसक्ति कर ले भगवान में और कहीं रह नहीं जाए, और द्वेष करे भगवान में मन में फंसने से, इसे द्वेष करे, क्यों नहीं फंसता भगवान में, क्यों नहीं लगता इससे, द्वेष भाव से द्वेष करे, बड़ा अच्छा द्वेष। तो जितने भी ये दुर्गुण भी हैं, इन दुर्गुणों को सद्गुणों की सेवा में लगा दे, इन दुर्गुणों को भी भगवान की सेवा में लगा दे तो सारे दुर्गुण सद्गुण बन जाएंगे। वो कहा है कि जब भगवान की कृपा होती है तो अग्नि शीतल हो जाती है, अग्नि जल बन जाती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, दुख सुख बन जाते हैं, नरक वैकुंठ बन जाता है। क्योंकि ये तो भाव से ही है ना, गोपर सिंधु अनु शीतलाई, गोपर सिंधु अनु शीतलाई, ये सब अपने आप बदल जाते हैं जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं अपने मन का। तो ये सब चीज करने की है,
मन से ठीक समझ कर करने की है और करने की ही है, कि सुनने की केवल नहीं है, कहने की केवल नहीं, क्योंकि जीवन जा रहा है, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। वो हेली बना रहे थे हरिभगत जी, और हेली बनी नहीं, मर गए। मैं चतुर्दशी को आने वाले थे, उसके पहले उनकी मृत्यु का समाचार आई। सुना हमने अकस्मात, हमारे तो मित्र थे, हम बचपन में साथ पढ़ते थे, तो दुख हुआ मन में, पर क्या होता उससे। वो तो ऐसी चीज है कि वह क्षण भर में खत्म, श्वास आया न आया बस लोग कह देंगे हार्ट फेल हो गया, मर गया, श्वास निकल गया, कुछ भी हो गया, पर ये होगा, सबका होगा। जितने हम यहाँ पे बैठे हैं सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मरने से पहले पहले इस मौत को मार देने का प्रयत्न कर लें, हम भगवान के हो जाएं। और ये अगर अभी हो जाए तो इस जीवन में जितनी अशांति है ना, हम देखते हैं लोगों को, बड़े अच्छे अच्छे आदमी, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी भी, धार्मिक आदमी भी, बस चिंता में, पर मैं यांचे परयांतम वर्ष, इतनी चिंताएं रहती है। ये कर मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं, बड़े बड़े चित्तों का भ्रमण लगा हुआ, क्या करें, चित्त विभ्रांता, मोह जाल समाव्रता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतन के नरकेशु चौ। ये भगवान ने कहा, जब तक इस काम भोग में लोग प्रसक्त हैं, अत्यंत आसक्त हैं, तब तक पतन के नरकेशु चौ अशुचौ नरके पतंते। ये स्वाभाविक होगा ही, रात दिन चिंता, जलते हैं रात दिन हम लोग, क्यों जलते हैं? आग हमने अपने अंदर जला रखी, कि बाहर की आग नहीं है, आग हमें जलाए खेले, और उसको आग को शांत करने का जल हमारे अपने अंदर है, वो शांति का अमृत हमारे अपने अंदर है। तो शांति के समुद्र का बस वो फाटक खोल दें, बस विहाय कामान ये सर्वान पुमान शरीर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, तमाम शांति शांति, सारी जलन सारी मिट जाएगी, सारे दुखे दूर हो जाएंगे। आज अभी ये हम जब तक संसार में भोगों के दास बन रहे हैं, तब तक तो ये सब है। तो आज बिगड़ी जन्म नीत की सुधरे अब ही आज, तुलसीदास महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म नीत की सुधरे अब ही आज, हो राम को, बस एक ही बात, राम के हो जाओ, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, बुरे संग का त्याग करे, भगवान के नाम का जप करे और भगवान का हो जाए, सारी ममता भगवान में ले जाके सौंप दे, अपने को भगवान का बना दे, भगवान को अपना बना ले, रहे यही, घर यही, द्वार यही, मकान यही, काम यही, सब। पर जो भोगों का दास हो रहा है, जगत का दास हो रहा है, भगवान का दास हो जाए और अपने को भगवान के चरणों में सौंप दे, बदले में क्या मिलेगा? भगवान हमको अपने आप मिल जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे। अब तो हमारे वो पदार्थ है जो हमारे हैं नहीं, जिनको हमने अपना मान रखा है, तो सब धोखा देंगे, अंत ही तो ही तजरेंगे पामर तू न तजेगा वही थे, जितने संसार के पदार्थ हैं सब धोखा देंगे, सब अंत में छोड़ देंगे हमको, पर भगवान के मरने के बाद भी साथ जाएंगे, नरक में जाएंगे हम भी साथ जाते हैं, क्योंकि जो अलग रहते ही नहीं, ऐसे नित्य संगी भगवान, उनको तो बस साथ रखना चाहिए। और ये जो छोड़ने वाले, धोखा देने वाले जितने भी भाव हैं, इन सबको मन से पहले छोड़ दें, इनका संग जो करे फिर भगवान के नाते सेवा के लिए करे, इनसे प्रेम करे, इनकी सेवा करे, इनको देता रहे, इनसे कुछ चाहे नहीं, आशा छोड़ दे, स्वयं दूसरी आशा को पूर्ण करे, अपने अधिकार का त्याग कर दूसरे अधिकार की रक्षा करे, इस भाव से रहे, अपने लिए न्याय बरते, दूसरे के लिए उदारता बरते, इस भाव से संसार में रहे परम सुख होगा। जो आशा रहेगी, चाह रहेगी, वहाँ तो बस रो नहीं है, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शहनशाह, तो भाई बादशाह बनो, भिखमंगे क्यों मनते हो? जब तक भिखमंगे रहेंगे तब तक तो दुख रहेगा, ही अपमान भी होगा और धक्के भी लगेंगे, मिलना मिलना तो कुछ है नहीं, धक्के धक्के पड़ेंगे यहाँ पर, तो धक्के खाना बंद करें, भगवान के दरबार में जा पहुँचे, भगवान के वैकुंठ में जा पहुँचे, वैकुंठ यहीं पर मिल जाएगा, जहाँ भगवान का संपर्क किया कि वैकुंठ में पहुंचे, और जहाँ जगत का संपर्क हुआ कि नरक में पहुंचे। अभी तो ते मेरे नरक रूप जीव थे जगत भव भंजन पद विमुख अभागी, ये पृथ्वीराज महाराज ने कहा कि वे लोग जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, उनका जीवन नरक रूप है, स्वयं रात दिन नरक की आग में जलते हैं और आस पास आने वालों को भी नरक की आग में जलाते हैं। ते मेरे नरक रूप जीव थे जगत भव भंजन पद विमुख अभागी, वे अभागे हैं, इसलिए बस भगवान के नाम